السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको 8 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख को पढ़ने के लिए एक अमल बता रहा हूँ और ये तोहफतन आपको दे रहा हूँ। अगर आप इस अमल को करेंगे तो आपके रिज़्क में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाएगा। अगर आपके कारोबार में अगर रुकावट हो चुकी है या आपके ऊपर नज़र लग गई है या और कोई परेशानी है, तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप इस अमल को करेंगे तो इस अमल की बरकत से आपके कारोबार में, आपके पैसे में, आपके रिज़्क में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप पहले इस बात को समझ लीजिए कि ये बहुत ही मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में जितना भी हो सके हम अल्लाह ताला की इबादत करें और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद पाक भेजें। तो देखिए ये अमल जो है आपको रबीउल अव्वल शरीफ की 8 तारीख को करना है। दिन में कर लें या रात में कर लें, किसी भी टाइम आपको ये अमल करना है। और अमल ये है कि आपको कुरान शरीफ की एक आयत, इसको आपको पढ़ना है। पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद ये 70 मरतबा आप ये आयत पढ़ेंगे। आयत ये है वदाइयन इलल्लाही बिइज़्निही वस्सिराजन मुनीरा। ये आयत है, इन कलिमात को आपको 70 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है? 70 मरतबा वदाइयन इलल्लाही बिइज़्निही वस्सिराजन मुनीरा। 70 बार पढ़ेंगे, 3 मरतबा पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे, 70 बार ये पढ़ के फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे और उसके बाद में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ोजल इस आयत के पढ़ने की बरकत से, इन कलिमात पढ़ने की बरकत से आपके कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा और आपको तमाम दौलत से नवाजेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अमल करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर